गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग प्रोटिस्टा किंगडम के दो अनदर ग्रुप्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिसको आप स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोवंस कहते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा किंगडम में हम लोग तीन मेंबर्स को पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग इन दो मेंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे जिसको स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोवंस कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्लाइम मोल्ड्स के बारे में जान लेते हैं कि स्लाइम मोल्ड्स किस टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं। स्लाइम मोल्ड्स तो आपको ये दिमाग में बैठ गया होगा, कंफर्म हो गया कि यह एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और यूकैरियोटिक है। स्लाइम मोल्ड्स कैसा है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, इसमें कोई इफ बट नहीं है, और ये आपका यूकैरियोटिक सेल से बना हुआ है। यूकैरियोटिक सेल से बना हुआ है इसका मतलब इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा और सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होंगे। ठीक, तो स्लाइम मोल्ड्स आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स व्हिच इज फाउंड इन किंगडम प्रोटिस्टा एंड इट इज अ सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। स्लाइम मोल्ड्स इज अ सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट या सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होता है, और सैप्रोफिटिक को आप हिंदी में मृत्युपजीवी कहते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच can get their nutrition from dead and decaying organisms are called saprophytic organisms. तो slime molds एक saprophytic protist की तरह अपना life survive करता है, यानी ये अपना food synthesize नहीं कर पाता है और ये अपने nutrition के लिए dead and decaying organisms पे depend करता है, सड़े गले पदार्थों से ही अपना भोजन लेता है। तो under favorable condition they form an aggregation। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन आने पर, अच्छा समय आने पे ये स्लाइम मोल्ड्स क्या करते हैं, एक एग्रीगेशन बनाते हैं, एक टुगेदरिंग बनाते हैं। इस एग्रीगेशन को हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? उस एग्रीगेशन को हम प्लाज्मोडियम कहते हैं एंड दिस प्लाज्मोडियम में ग्रो एंड स्पीड सेवरल फीट। ये प्लाज्मोडियम ग्रो होता है और चारों ओर क्या होता है, फैलता रहता है, स्प्रीड करता रहता है। तो ये सभी काम फेवरेबल कंडीशन में हो रहा है। Under unfavorable condition, this plasmodium form of fruiting bodies. इस slime molds के द्वारा क्या किया जाता है? Fruiting bodies का formation किया जाता है और इस fruiting bodies में spore का formation होता है। ठीक, और इस spore में true walls present होते हैं। ठीक है, क्या present होते हैं? True walls present होते हैं। ये walls होते हैं, ये काफी resistantable होते हैं, यानी हाईली इसमें रेजिस्टेंस पावर होता है और रेजिस्टेंस पावर होने की वजह से ये स्पोर मेनी इयर्स तक सर्वाइव कर सकते हैं और ये एयर करेंट के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं और फेवरेबल कंडीशन आने पे क्या कर सकते हैं, ये ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं। क्लियर, तो ये था आपका स्लाइम मोल्ड्स। क्लियर, एक बार और हम देखते हैं कि स्लाइम मोल्ड्स इज अ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स एंड इट इज get their nutrition by saprophytic method। ये अपना nutrition saprophytic method के through gain करते हैं। favorable condition में aggregation बनाते हैं जिसको हम plasmodium कहते हैं, और unfavorable condition में ये क्या करते हैं, fruiting bodies बनाते हैं। उस fruiting bodies के द्वारा spore का production होता है। unfavorable condition में ये fruiting bodies बनाते हैं और उस fruiting bodies में स्पोर का फॉर्मेशन होता है और ये उस स्पोर में जो वाल्स होते हैं इसको क्या करते हैं, रेजिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि ये मेनी ईयर्स तक क्या कर सके, सर्वाइव कर सके, या एयर करेंट के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं। क्लियर, तो अब हम बात करते हैं प्रोटोजोवंस की। प्रोटोजोवंस के जितने भी मेंबर्स हैं, ऑल प्रोटोजोवंस आर हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, और प्रोटोजोवंस के भी जो मेंबर्स होते हैं वो भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, ऑल प्रोटोजोवंस आर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक एंड दे आर प्लेस्ड इन द किंगडम प्रोटिस्टा। द मेंबर्स ऑफ प्रोटोजोवंस आर एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम। तो ऑल प्रोटोजोवंस आर get their nutrition by heterotrophic mode। सभी प्रोटोजोवंस अपना न्यूट्रिशन
हेटरोट्रॉपिक तरीके से लेते हैं, हेटरोट्रॉपिक मोड से लेते हैं, ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये हेटरोट्रॉपिक में कौन से फॉर्म शो करते हैं, या तो प्रीडेटर्स होते हैं या पैरासिटिक फॉर्म में। प्रीडेटर्स का मतलब शिकारी के रूप में, ये दूसरे का शिकार करके उससे अपना लेते हैं न्यूट्रिशन, या पैरासाइट के फॉर्म में, यानी ये किसी लिविंग बॉडी से अपने न्यूट्रिशन को गेन करते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम की बात करें जो कि मलेरियल पैरासाइट है, ये किसी लिविंग बींग से क्या करता है, अपने न्यूट्रिशन को गेन करता रहता है उनके बॉडी में रह के। इसका मतलब ये क्या है, पैरासाइट्स है, ठीक है, प्रोटोजोअन पैरासाइट्स है। तो प्रोटोजोअन्स को चार ग्रुप्स में बांट दिया गया है, अमीबॉइड, फ्लैजेलेटेड, सिलिएटेड एंड स्पोरोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स आर डिवाइडेड इनटू फोर ग्रुप्स, अमीबॉइड, फ्लैजेलेटेड, सिलिएटेड एंड स्पोरोजोअन्स। तो जो अमीबॉइड ग्रुप्स हो है, जनरली इसमें अमीबा को रखा गया है। तो अमीबॉइड ग्रुप्स, ये अमीबॉइड ग्रुप्स के जो मेंबर्स होते हैं, ये फ्रेश वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, मॉइस्ट वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, और सी वाटर और समुद्री वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। और अमीबॉइड ग्रुप्स में स्यूडोपोडिया फॉल्स फिट का फॉर्मेशन होता है, स्यूडोपोडिया एक फॉल्स फिट का फॉर्मेशन होता है। इस स्यूडोपोडिया के थ्रू फूड को कैप्चर करने का कार्य किया जाता है, ठीक है। अमीबॉइड में ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अमीबॉइड में क्या पाया जाता है, स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है जो कि फॉल्स फिट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसके थ्रू अमीबा के जो मेंबर्स होते हैं, अमीबॉइड के मेंबर्स, वे क्या करते हैं, फूड को कैप्चर करने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा इस अमीबॉइड ग्रुप में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका को भी रखा गया है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज अ पैरासिटिक अमीबॉइड, ठीक है, ये पैरासिटिक अमीबॉइड है, और इसके वजह से एक बीमारी होती है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से, जिसको एंटमोबियासिस कहते हैं, ठीक है, जिसको अमीबिया पेचिस हिंदी में कहा जाता है इसके द्वारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रोटोजोअन्स की, जिसको फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स कहते हैं। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स या तो फ्री लिविंग हो सकते हैं या पैरासाइट्स के रूप में, ठीक है, या फ्री लिविंग स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर सकते हैं या पैरासाइट्स के रूप में। अगर पैरासिटिक फॉर्म में होंगे तो ये बीमारी फैलाएंगे। जनरली कोई भी ऑर्गेनिज्म जो पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं वह मोस्टली बीमारी फैलाने का कार्य करते हैं, कॉजेज डिजीजेस, क्लियर। तो ये फ्री लिविंग होते हैं या पैरासाइट्स होते हैं फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स। और फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स कहा जा रहा था, इसका मतलब इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, ठीक है, फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, इसलिए इसको फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स कहा जाता है। तो फ्लैजेला आपको मालूम है कि एक लोकोमोटरी ऑर्गन्स होता है जिसके थ्रू लोकोमोशन होता है, और फ्लैजेला के प्रेजेंस की वजह से इसको फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स कहा जा रहा है, ठीक है। इसमें ट्रिपैनोसोमा एक फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स है विच कॉजेस डिजीजेस स्लीपिंग सिकनेस। ट्रिपैनोसोमा एक पैरासिटिक फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स है जिसके थ्रू क्या होती है, बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम है स्लीपिंग सिकनेस। अब हम बात करते हैं कि थर्ड जो कि सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स है। देखिए सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स में भी नाम के अकॉर्डिंग उसके स्ट्रक्चर बना हुआ है। सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स में भी सीलिया प्रेजेंट होता है, और सीलिया इज आल्सो एन लोकोमोटरी ऑर्गन्स। सीलिया भी एक क्या है आपका, लोकोमोटरी ऑर्गन्स है जो कि यूनिसेल ऑर्गेनिजम्स को जनरली क्या करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स आल्सो कैरियड अ लोकोमोटरी ऑर्गन्स विच इज नोन एज सीलिया। एंड सिलिया के जो मेंबर्स होते हैं, सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स के जो मेंबर्स होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, जनरली मोस्टली क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, यानी जलीय रूप में अपना जीवन यापन करते हैं, और इनमें सिलिया प्रेजेंट होता है। और इसमें आपका एग्जांपल है पैरामीसियम, जो कि स्लीपर एनिमल क्यूल भी कहलाता है। ये स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर शो करता है, उसको हम पैरामीसियम कहते हैं। तो पैरामीसियम एक सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट प्रोटोजोअन्स की, जिसको स्पोरोजोअन्स कहा जाता है, ठीक है। स्पोरोजोअन्स प्रोटोजोअन्स जो होते हैं ये जनरली स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, किसका फॉर्मेशन करते हैं, स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो दे हैव
एंड इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। स्पोरोजोअन्स प्रोटोजोअन्स होते हैं, इनके लाइफ साइकिल में कभी न कभी एक ऐसा स्टेज आता है जो कि स्पोर स्टेज होता है, और ये स्पोर स्टेज इन्फेक्शियस स्टेज होता है। ठीक है, स्पोरोजोअन जो प्रोटोजोआ है, इसके लाइफ साइकिल में एक ऐसा स्टेज आता है जिसमें स्पोर होता है, और यह स्पोर एक इन्फेक्शियस स्टेज का कार्य करता है, और इन्फेक्शियस होने की वजह से ये स्पोर काजेस क्या करता है, डिजीजेस। यह स्पोर क्या करता है, बीमारी फैलाने का कार्य करता है। ठीक, तो इसमें आपका एग्जाम्पल स्पोरोजोअन प्रोटोजोअन का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज अ मलेरियल पैरासाइट। प्लाज्मोडियम को मलेरियल पैरासाइट कहते हैं, और इट काजेस डिजीजेस नोन एज मलेरिया। क्लियर, प्लाज्मोडियम को हम क्या कहते हैं, मलेरियल पैरासाइट कहते हैं, और यह क्या करता है, बीमारी फैलाने का कार्य करता है, और जिस बीमारी को फैलाता है उसको हम कहते हैं मलेरिया। तो स्पोरोजोअन्स इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनके लाइफ साइकिल में एक ऐसा स्टेज आता है जिसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और यह स्पोर इन्फेक्शियस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो प्रोटोजोअन्स में जो चारों ग्रुप्स हैं, इन चारों ग्रुप्स में उसके नाम के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अमीबॉइड में अमीबा को रखा गया है, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स में ऐसे प्रोटोजोआ को रखा जाएगा जो कि फ्लैजेलेटेड होंगे, जिनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो फ्लैजेला प्रेजेंट ट्रिपैनोसोमा में होता है। सिलिएटेड में किसको रखा गया है, पैरामीशियम को, क्योंकि पैरामीशियम में सिलिया पाया जाता है। स्पोरोजोअन्स जो स्पोर का फॉर्मेशन करता हो, ऐसे प्रोटोजोअन्स को हम स्पोरोजोअन्स में रखेंगे। तो प्लाज्मोडियम स्पोर का फॉर्मेशन करता है ड्यूरिंग इन इट्स लाइफ साइकिल, अपने लाइफ साइकिल में ये क्या करता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है, और वह स्पोर क्या होता है, इन्फेक्शियस होता है जो बीमारी फैलाता है, और उस बीमारी का नाम है मलेरिया। तो ये था आपका प्रोटिस्टा किंगडम के लास्ट दो ग्रुप्स, जिसको सलाइमोल्ड्स और आपने प्रोटोजोअन्स को जाना। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो किंगडम पढ़ेंगे वह है फंगी। तो फंगी आपको मालूम है कि यह एक नॉन क्लोरोफिलस सेल वॉल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स होता है। ये हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है बिकॉज क्लोरोफिल इन एब्सेंट होता है, और दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, देयरफॉर दे आर नॉन क्लोरोफिलस हेटरोट्रॉपिक एंड सेल वॉल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो इसको डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।